बस श्री असदुद्दीन ओवैसी, देश के हर एक कोने में अपनी अलग पहचान रखने वाले ओवैसी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। संसद से न्यूज चैनलों तक ओवैसी जब अपने तर्कों और शर्तों पर बोलते हैं तो उन्हें सुनना बेहद दिलचस्प होता है। पेशे से वकील और क्रिकेट के शौकीन ओवैसी एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनका लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। फिलहाल ओवैसी की पार्टी की पहुंच भी देश के कई राज्यों में है। संसद में उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए हम उन्हें लोकसभा कैटेगरी में बेस्ट पार्लियामेंटेरियन ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित कर बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जिनके लिए खबरों में रहना बहुत सामान्य बात है, कभी ये खुद खबर में होते हैं तो कभी खबर इनकी वजह से होती है। श्री असदुद्दीन ओवैसी, बेस्ट पार्लियामेंटेरियन ऑफ द ईयर 2022, मेंबर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के बाद उच्च सदन, संक्षिप्त प्रतिक्रिया के लिए ओवैसी साहब को आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जूरी के चेयरमैन साहब का और तमाम अराकीन का कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और मैं लोकमत के तमाम दरदार बादरस का और ज़िम्मेदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इस तरह का अवार्ड का फंक्शन आप इन्हें खाद अमल में ला रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे वतन अजीज़ में आज सबसे बड़ा ख़तरा अगर किसी चीज़ को है तो थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को है, और उम्मीद करते हैं कि ये ऐवान, लोकसभा हो राज्यसभा हो, वो अपनी आज़ादगी को बरकरार रखेगा। और मुझे उम्मीद है कि हम पार्लियामेंटेरियन अपनी इस ऐवान की आज़ादगी को बरकरार रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई ओवैसी साहब।